अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज हम यूनिट नंबर फाइव का जो अगली पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं वो है चिल्ड्रन लिटरेचर इन द टेक्नोलॉजी बेस्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर अब वो है ओरल लैंग्वेज एंड इमरजेंट लिटरेसी स्ट्रेटजीज नाउ ये तो हमें पता ही चल गया कि जो हमारी लिटरेसी स्किल्स हैं उसके अंदर ओरल लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओरल लैंग्वेज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बच्चों की अगर ओरल लैंग्वेज डिवेलप ना हो तीन चार साल के अंदर और उनकी अच्छी विकैबरी डेवलप ना हो उनकी एक बेसिक ग्रामर स्किल्स डेवलप ना हो और वो जुमले सही तरीके से बना के ना बातचीत कर सकें तो उनकी बाकी भी जो रीडिंग और लिसनिंग और स्पोकन स्किल्स जो हैं आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स जो हैं वो भी इफ़ेक्ट होती हैं सो स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि वो अर्ली ईयर जो हमारे सेटअप हैं या प्री स्कूल्स हैं जिसमें हाई क्वालिटी की ओरल लैंग्वेज जो स्किल्स हैं बच्चों को सिखाई जाती हैं या अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कि वो बोल सकें और इंटरेक्शन हो सके या ऐसा सपोर्टिव इन्वामेंट प्रोवाइड किया जाता है तो वहाँ डेफिनेटली बच्चों का जो लर्निंग लिटरेसी एक्सपीरियंस है वो एक्सीलेंट होता है और बच्चे ज़बरदस्त किस्म की ओरल लैंग्वेज स्किल लेके मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में आते हैं और डेफिनेटली अगर बेहतर रीडिंग की फाउंडेशन हो ओरल लैंग्वेज uh, की फ़ाउंडेशन हो तो बच्चे जो है आगे रीडिंग में और स्पीकिंग में दोनों में और बाकी स्किल्स में भी जो लैंग्वेज की हैं वो बेहतर तरीके से एकेडमिक्स में परफॉर्म कर पाते हैं आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमें जो रीडिंग या लैंग्वेज स्किल्स चाहिए रीडिंग राइटिंग स्पोकन और लिसनिंग स्किल्स जो चाहिए वो तो सिर्फ हमें लैंग्वेज पढ़ने के लिए नहीं चाहिए तकरीबन हमारा तकरीबन क्या सारा ही करिकुलम में हमें रीडिंग रिक्वायर्ड है तो डेफिनेटली जितनी बेहतर रीडिंग स्किल्स होंगी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स होंगी स्पोकन लिसनिंग स्किल्स होंगी तो उतनी ही बेहतर बच्चे की हर सब्जेक्ट के अंदर ग्रिप होगी और फाउंडेशन बन के उसको आगे बेहतर तरीके से पढ़ सकेगा सो so, बच्चों की जो वोकल लैंग्वेज स्किल्स हैं वो डिपेंड करती हैं लार्जली कि स्कूल के अंदर कोई ऐसा सेटअप मौजूद है जिसके अंदर कोलेबरेटिव बुक रीडिंग होती हो कोलेबरेटिव बुक रीडिंग का मतलब ये कि बच्चा क्योंकि छोटा बहुत है तो इंडिपेंडेंटली तो वो पढ़ नहीं सकता तो उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाए कि उसके साथ किताब पढ़ी जाए मिल के पढ़ी जाए और डेफिनेटली uh, ये वो कोलेबरेटिव बुक रीडिंग इस्ट्रेटजीज़ हैं जिसके थ्रू आप इंगेजमेंट बच्चे के अंदर जो है वह ले आ सकते हैं अभी हम रीडिंग एंगेजमेंट से गो थ्रू हुए हैं जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि बच्चे का फोकस होना बहुत ज़रूरी है आपने जब किताब शुरू की तो उसके ख़त्म होने तक बच्चे का फोकस रिटेन रहता है या नहीं रहता ये तभी रहता है बहुत छोटे बच्चों के साथ तीन साल चार साल पाँच साल के बच्चों के साथ जब वो टीचर्स के साथ पेरेंट्स के साथ या इंटरेक्टिव रीडिंग कर रहे होते हैं ताकि हम बार बार उनका फोकस किताबों की तरफ लेके आते हैं एलस्ट्रेशन की तरफ पिन पॉइंट करके ये जो हाई क्वालिटी आ, हमारी रीडिंग एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ यानी जो हम उन्हें देते हैं उनके साथ बैठते हैं एक आ, बहुत कोजी एक बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वामेंट बना के उनके साथ कहानी पढ़ते हैं तस्वीरों तो को पिन पॉइंट करते हैं या आपके कंप्यूटर के और ई बुक्स के फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं और बच्चों के टेंशन बार बार इंगेजमेंट जो है बुक की तरफ लेके आते हैं आ, ये कभी हफ्ते में एक दफ़ा कर लेने से ये स्किल्स डेवलप नहीं होती इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़रूरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हम कोलेबरेटिव लर्निंग करते हैं या इंटरेक्टिव हमारी स्किल्स हैं ये स्किल्स जो हैं ये तभी डिवेलप होती हैं जब हम रीडिंग को फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं और ये हमारे प्री स्कूल का एक कॉमन फीचर हो कि जब हफ़्ते हाँ में कम से कम तीन से चार दफ़ा ज़रूर बच्चों के साथ बुक रीडिंग करें या हम पूरे दिन में कोई ना कोई दस से पंद्रह मिनट की रीडिंग एंगेजमेंट का टाइम छोटे छोटे बच्चों के डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जरूर निकालें ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी लॉन्ग टर्म लिटरेसी और लैंग्वेज स्किल्स जो है वो डिवेलप हो सकें और उन्हें बार बार इसका मौका मिले इसको हम टेक्निकल टर्म में शेयर्ड रीडिंग कहते हैं इसकी और भी हैं। जैसे कोलेबरेटिव रीडिंग भी है और जो भी हमारे पास मौजूद होता है हम उस टेक्ट्रा टेक्सुअल कन्वर्सेशन करते हैं जैसे कि हमने पढ़ा था कि पैरा टेक्चुअल कन्वर्सेशन क्या है कि इसका राइटर कौन है ये पब्लिशर कौन है ये कब पब्लिश हुई राइटर किस मुल्क का है उसकी इंस्परेशन क्या है उसने अपने प्रफेज़ में या एंडवर्ड्स में क्या लिखा है इलस्ट्रेशन uh, की जो है साइज कैसा है जिसने इलस्ट्रेशन बनाई वो कौन है और डिफरेंट फीचर अभी किताब पढ़ने से पहले पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद जब हम किताब भी पढ़ रहे होते हैं तो बार बार हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों की तरफ़ पिन पॉइंट करते हैं ये जो एक्स्ट्रा कंटेक्चुअल गुफ्तु है बच्चों की आपसे और आपकी बच्चों से इसको हम शेयर्ड रीडिंग कहते हैं और इसी ही तरीके से बच्चों की ओरल स्किल्स डिवेलप होती हैं दिस इज़ एक्चुअली नॉन एज कोलेबरेटिव रीडिंग जिसके अंदर हम उनके साथ बातें करते हैं और वो फिर उसके बारे में सोचते हैं कि हम उनसे क्या सवालत करें और वो फिर उसके जवाब देते हैं और ये एक फाउंडेशन भी जाती है उनकी ओरल जो लैंग्वेज स्किल्स है उनकी डेवलपमेंट की